नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय सचिव सुमेर सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता अब मोदी और योगी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। भाजपा इस बार अकेले दम पर 390 सीट पर जीतेगी। कहा कि कुछ लोग जाति और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और विकास के एजेंडे को पीछे धकेलना चाह रहे हैं। कहा कि कुछ लोग जातिवाद और मजहब के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, इससे हम सभी को बाहर आना होगा, तभी गरीब के चेहरे पर उसके सपनों की खुशहाली लाई जा सकेगी। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है, भव्य मंदिर देखकर हर कोई अभिभूत है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय सचिव सुमेर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हम मैं सुमेर सिंह, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत पहले कि राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, राम मंदिर का निर्माण हो गया, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? राम मंदिर का निर्माण हो गया, इससे हमको तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा। हमारे पूरे भारतवासी, जितने हमारे धार्मिक हिंदू लोग हैं, सबको बहुत खुशी की बात है। कुछ विपक्ष के लोग पहुंचे नहीं राम मंदिर के उद्घाटन का, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? विपक्ष के लोग नहीं पहुंचे, उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको निमंत्रण दिया था, आदर भाव के साथ बुलाया था। अब जिसकी मानसिकता ही विरोध करना है तो वो किसी भी पॉइंट पर विरोध कर सकता है। रामचंद्र उनके भी हैं, हमारे हैं, सबके हैं। अब वो नहीं आए तो उनका विचार है, वो किस स्तर पर रहेंगे, बाद में क्या करेंगे। वोट की राजनीति कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, आम जनता भी संतुष्ट है, लेकिन कुछ लोग उनका बहुत विरोध कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों के परिवार है, ये बताइए, कोई भी व्यक्ति, यदि आपके चार बच्चे हैं, चार बच्चे में आप चारों बच्चों को तो खुश नहीं कर सकते हैं। तो वैसे हमारे योगी जी के एक परिवार तो है नहीं, 125 करोड़ है, मोदी जी को भी है, पूरे देश के। तो जब हम अपने परिवार को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे को, अपने ही परिवार में, जब एक छोटा परिवार में हम नहीं संतुष्ट कर पाएंगे, तो पूरे देश को हम कहां संतुष्ट कर पाएंगे।